विंडसर के लिए जो निकाली थी लाइन वो हेक्टर के लिए निकालनी चाहिए, ये जो है बिजनेस क्लास है। पीछे बैठो, सामने बैठो, चाहे मन करे तो डिक्की में भी लेट जाओ। आप जो है ना क्रेटा और सेल्टोस को इसके साथ कंपेयर करके इसकी जो है आप बेइज्जती कर रहे हो। 11,000 का मैंने ये दिया, देखो इतने सारे मैसेजेस। मैंने ये नहीं बताया था कि मेरे कुछ सोशल मीडिया के फ्रेंड्स हैं, तब तक ये लोग रिप्लाई भी नहीं कर रहे। आप लिटरली गाड़ी के अंदर से ऐसे करके निकल सकते हो, देखो। फिर उसके बाद रात को मेरी वाइफ ने यूट्यूब सर्च किया, मोटर बाइक वाले सर जी आ गए, उन्होंने हेक्टर पे इतनी वीडियो डाल दी कि मेरी वाइफ जो है टोटली इम्प्रेस। शोरूम जाके फ्रंट सीट पे बैठते मेरी वाइफ ने सीधा बोल दिया, ठीक है भाई कंफर्ट वगैरह सब मान लिया आपकी बात, एवरेज पे बात करो, एवरेज का बताओ हमें क्या है। तो आज से ये भी सुन लो कि एमजी रखने वाले या फिर हेक्टर रखने वाली माइलेज का फिक्र नहीं करते भाई। क्रेटा, सेल्टोस, ग्रैंड विटारा और हाई राइडर, ठीक है। पर्पस, मुझे पर्पस बताओ ना भाई कि ये भागने की वाली गाड़ी क्यों नहीं है। पूरा क्वेश्चन तो सुन ले मेरे भाई, भाग रही पड़ी है। एमजी में यहाँ सूट में आ रहे हैं लोग, चाबी ऐसे हाथ मिला के सर आइए बैठिए। चलो चलो चले यार। मेरे पीछे जो आप गाड़ी देख रहे हैं एमजी हेक्टर है और इसी का ओनरशिप रिव्यू आज हम करेंगे। हालांकि अपने चैनल पे ऑलरेडी हम एमजी हेक्टर के कई सारे ओनरशिप रिव्यूज कर चुके हैं, वॉक अराउंड कर चुके हैं, हमारे चैनल पे पहले भी कई बार आ चुके हैं। उन्होंने हमारे चैनल पे ऑलरेडी जो है अपनी एस्क्रॉस, हुंडई की वेन्यू, इवन की बाइक्स वगैरह सब कवर किए हैं और आज वो अपनी एक और न्यू ब्रांड न्यू कार लेकर के आए हैं चैनल पे, जो कि है एमजी हेक्टर, आप देख सकते हैं। और उसका आज हम ओनरशिप रिव्यू करेंगे और आप सोच रहे होंगे कि अकेला मैं ही खड़ा हूँ, मेरे साथ ओनर कहाँ है। तो ओनर एज यूजुअल जो है अपना पीछे की सीट पे आराम कर रहे हैं, ठाट से बैठे हैं, मज़े ले रहे हैं और वो कह रहे हैं कि भाई मैं तो यहीं से वीडियो अपना स्टार्ट करूंगा क्योंकि मुझे बात करनी है इसके कंफर्ट के बारे में, क्यों आकाश? बिल्कुल सही बात है। अब जब आपके पास इतना स्पेस हो, इतनी अच्छी सीट हो, थाई का जो है इतना सपोर्ट हो, फिर नीचे कौन खड़ा होकर बात करेगा। हाँ, okay, मैं तो फ्री में, ये जो है ना विंडसर के लिए जो निकाली थी लाइन वो हेक्टर के लिए निकालनी चाहिए, ये जो है बिजनेस क्लास है। अच्छा, बिजनेस क्लास गाड़ी है, ठीक है। विंडसर जो है वो गाड़ी है, ठीक है, फर्स्ट क्लास है, लेकिन ये गाड़ी जो है ये है बिजनेस क्लास। और ग्लॉस्टर जो है वो है प्राइवेट जेट, प्राइवेट जेट, प्राइवेट जेट है वो। अच्छा, उसका कोई मुकाबला नहीं। चलो एक बात चीज बताओ यार, पहले तो खुद से ये बताओ कि कितनी भी बार आ रहे हो चैनल पे? ये शायद छठवीं बार है या फिर सातवीं बार है, अरे भगवान मैं भूल गया हूँ, इतनी बार आ चुके हैं। वो वीडियोस का जो है ना कंटेंट देख के वो डाल देंगे नीचे, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक भी डाल दूंगा कि भाई कितनी बार आ चुके हैं। मोटे मोटे तौर पे एस्क्रॉस आ चुकी है, वेन्यू आ चुकी है, वेन्यू का कंपैरिजन वीडियो किया था तीन गाड़ियों के साथ, वो आ चुका है। रॉनिन था, रॉनिन आ चुकी है, रॉनिन रॉनिन का भी हम कंपैरिजन वीडियो कर चुके हैं और उसके बाद फिर डोमिनार लेके आ रही थी, फिर अभी छह बार तो आ चुके हैं भाई और आज सातवीं बार आ रहे हैं। सातवीं बार है, आपकी दुआ रही तो 10-12 बार भी आ जाएंगे। नहीं, हम तो चाहते हैं तुम हर साल गाड़ी चेंज करो और हर साल बार चैनल पे, बट ये गाड़ी बेचना नहीं, नहीं है लेने के बाद। ये गाड़ी मैं रखूंगा, ऑन कैमरा बोल रहा हूँ मैं, ये गाड़ी मैंने ली है। क्यों बोला तो तुमने, पहली बार, पहले भी बहुत बार। नहीं नहीं नहीं, आज मैं बेचने जाऊंगा तो पैसे तो कम मिलेंगे, लेकिन मैं इसको बेचना भी अभी नहीं चाहूंगा। 2-2.5 लाख रुपए स्पेंड किया तो थोड़ा देर रहने देंगे। पहले जो एस्क्रॉस रखी थी ये भाई ने बोला था कि यार इस पे मैंने, मुझे ये गाड़ी इतनी पसंद है और इस पे ऑलरेडी इतना आफ्टर मार्केट काम करवाया हुआ था कि इस गाड़ी को मैं जल्दी से निकालूंगा नहीं, तो क्या रीजन हो गया एस्क्रॉस निकालने का यार? ऑनेस्टली एस्क्रॉस इज अ वेरी सुपीरियर प्रोडक्ट, वो उसकी राइड, हैंडलिंग, माइलेज, एवरीथिंग वाज वेरी गुड। अच्छा, बट एक ही प्रॉब्लम था, मैंने जो है एस्क्रॉस का मैनुअल ले लिया था। मतलब ये था कि आज तक जो है ना मैंने हुंडई रखी है, मारुति ये रखी है, तो वो जो प्रीमियमनेस, जो मतलब अल्ट्रा कम्फर्ट वाली जो चीज है ना, वो मिसिंग थी कहीं ना कहीं। हाँ। इस गाड़ी में बैठने के बाद हर आदमी को एक बार जाके बैठो इसमें, फिर उसके बाद मैं दाद दे देता हूँ कि कोई हुंडई की क्रेटा, सेल्टोस सब भूल जाओगे। अच्छा, हाई राइडर ग्रैंड लोग ये कहते हैं कि एक बार जाके चलाओ, तो आकाश भाई कह रहे हैं कि एक बार जाके बैठो है? बैठो जाके। हाँ। पीछे बैठो, सामने बैठो, चाहे मन करे तो डिक्की में भी लेट जाओ, लेकिन जाके एक बार शोरूम पे एक्सपीरियंस करो इस गाड़ी को। एंड मैं ये चीज पहले ही बताना ये चाहूंगा कि मैंने भी ये कार जो है नहीं सिलेक्ट की थी। हाँ। मैं शोरूम के सामने से जा रहा था, एक रेड रंग की कार जो शोरूम पे रखी हुई थी, मैंने ये देखा कि ग्रिल बहुत अच्छा है। फिर मैं घर आया, वाइफ से बात की, मेरी वाइफ ने यूट्यूब पे किया सर्च और किसका मुंह निकला, अमन जी का, ठीक है। हेक्टर पे कितनी सारी वीडियो डाल रखी है, वो जो है मेरी वाइफ ने क्या बोला, तुम्हारा ही फ्रेंड है, अच्छा अच्छा बात है तो जाके एक बार टेस्ट ड्राइव लो। फिर मैं और वाइफ गए, वाइफ पहली बार जो पैसेंजर वाली सीट है वहाँ बैठने के बाद ही मेरे और देख के, हमने गाड़ी चलाई भी नहीं थी, बैठने के बाद ही बोला लेंगे तो यही लेंगे, नहीं तो कोई और नहीं।
नहीं तो बेचनी नहीं। तो होम मिनिस्ट्री से जब फाइल पास हो गई तो फिर उसके बाद फिर फाइनेंस मिनिस्टर तो फिर हाँ करना ही था। फिर ये हुआ कि हमने बुकिंग की थी, हुंडई की थी कार, एल्काज़ार थी ओल्ड वाली, उसमें डिस्काउंट था, वो सब कुछ छोड़ने के बाद हमने ये ऑन रोड प्राइस पे डिस्काउंट थोड़ा मोड़ा तो दिया गया है, लेकिन गाड़ी जो थी ब्लैक शेड में यही वाली थी, नहीं तो हम टॉप मॉडल भी ले लेते, लेकिन हमें ये टाइम ब्लैक कलर की गाड़ी ही चाहिए थी। अच्छा, तो कौन सा वेरिएंट है ये? ये है सिलेक्ट प्रो पेट्रोल सीवीटी। तो ये कितने की पड़ी आकाश ऑन रोड? ऑन रोड एक्सेसरीज के साथ 20,50,000 के आसपास है। ऑन रोड विद एक्सेसरीज? विद एक्सेसरीज, मतलब अगर मैं एक्सेसरीज हटा दूं तो 20 लाख की गाड़ी है, 20 के थोड़ा ऊपर का ही है। अच्छा, तो 20 लाख रुपए में जहाँ आप एक्सपेक्ट करते हैं आज की डेट में, तो अब ये मिड सेगमेंट एसयूवी है, कॉम्पैक्ट एसयूवीज भी 15-16 तक जा रही हैं, और मिड सेगमेंट में जो क्रेटा वगैरह भी जाती हैं तो वो 20-22 तक जाती है, हैरियर जाती है ऊपर का भी। पहला चीज तो ये है कि इसका जो कंपेटिटर है वो हैरियर है, एसयूवी है। आप जो है ना क्रेटा और सेल्टोस को इसके साथ कंपेयर करके इसकी जो है आप बेइज्जती कर रहे हो। सीधी बात है ना, लुक्स में, यहाँ तक कि फीचर्स में भी क्रेटा और सेल्टोस इसके सामने नहीं आते। क्या है, बस कनेक्टेड स्क्रीन है। हाँ। अब वो लेके क्या करोगे, स्क्रीन देख लो, इसमें वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट स्क्रीन है, टेस्ला वाली स्क्रीन है। लोग अब ये कि लैग है, ये है वो है, भाई मेरे को इस गाड़ी को चलाते हुए 1.5 महीने हो गए, आज तक ये स्क्रीन लैग नहीं हुआ है, ये कन्फर्म है, कोई अब दिक्कत नहीं है किसी तरह? कोई दिक्कत नहीं है, कोई हैंग नहीं है, कोई लैग नहीं। हाँ, अगर आप ये है कि आपको जो है एसी का ब्लोअर स्पीड हाई करना है, लो करना है, तो सिस्टम अपना जो है स्वीट टाइम लेती है, लेकिन उसको लैग नहीं बोल सकते क्योंकि ये इतना बड़ा प्रोसेसिंग टाइम है, बेसिकली प्रोसेसिंग है टाइम। तो वो क्रेटा में भी है। वो भी मैं एक चीज क्लियर कर देता हूँ, वो जब आप सुबह गाड़ी ऑन करेंगे, फर्स्ट टाइम स्टार्ट करेंगे, तब वो टाइम लेती है, उसके बाद वो उतना टाइम नहीं लेता, बूटिंग टाइम जो है। हाँ, बूटिंग टाइम बेसिकली। रनिंग के थ्रू में आपको तो टच स्क्रीन यूज ही नहीं करना है, वो है क्या बोलते हैं इंग्लिश है, ये तो हिंदी भी समझती है, बताओ, वॉइस कमांड से आपका सारी चीजें जो है, आप बस बोल दो और ब्लोअर स्पीड अपने आप कम हो जाता है, टेम्परेचर अपने आप कम हो जाता है, सनरूफ खुल जाती है, ये वो, तो ये सब चीज हुंडई जो है सीखी है एमजी से ही। अच्छा चलो, कंफर्ट छोड़ो, बाहर आओ जरा, बात तो करो यार, चलो तो गाड़ी में अंदर ही बैठ गए हो। अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि क्या इसमें ऐसा और क्या क्या फीचर मिल रहे थे कि तुम्हें आप क्रेटा सेल्टोस, चलो मुंह से भी निकालूंगा तो तुम उसके पीछे पड़ जाओगे, देखो एल्काज़ार का ही बता दो, कैंसिल करी और ये ली, क्या एक्स्ट्रा मिल रहा था इसमें? एल्काज़ार का जो मैंने सिलेक्ट किया था दैट वाज सिग्नेचर ऑप्शनल डीसीटी 1.5 लीटर, ठीक है, तो पहले वाला, पहले हाँ, फेसलिफ्ट वाला नहीं, फेसलिफ्ट नहीं, पहले वाला। तो पहला चीज़ तो ये है कि हुंडई को मैं ये चीज़ बोलना चाहूँगा 100% कि आप अपने शोरूम में जो सेल्स वाले मैनेजर है ना, वो उनको थोड़ा सा टाइट दो, क्योंकि कोई अगर कस्टमर आपके शोरूम में जाता है तो शोरूम में जो लोग काम कर रहे हैं वो लोग जो है आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। बिल्कुल। अब मैं गया लांबा हुंडई वजीरपुर में, वहाँ पे सेल्स वाले ने मुझको ये बोला कि सर मैं आपको जो है ये, वो फीमेल थी, नाम नहीं लूँगा, तो वो ये स्टार्टिंग में ये हुआ 22,70,000 में हम जो है आपको गाड़ी देंगे, फेसलिफ्ट आ रहा है। मैंने ये कहा कि ये तो मतलब ओल्ड हो जाएगी, मैं वेट करूँगा। थोड़े दिन के बाद उसका कॉल आया, सर गाड़ी 20,50,000 में ले लो, 20,000 का इंस्टेंट आपको डिस्काउंट है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, ले लेते हैं 20,000, हुंडई की कार में 1 रुपए का नहीं है, वो भी एल्काज़ार क्रेटा ये सब पे तो है ही नहीं, हो सकता है नियोस वियोस पे दे दे। उसके बाद ये हुआ कि मैंने फ्रंटियर हुंडई में जाके ये लिया कोटेशन, तो उन्होंने ये बोला 22 लाख में ब्लैक रंग की हमारे पास स्टॉक में एक है कार 2024 की मैन्युफैक्चरिंग मंथ, उन्होंने नहीं कहा। तो मैंने फिर फ़ोन किया लांबा हुंडई में, उन्होंने ये बोला सर हम भी आपको 22 लाख में दे देंगे, मतलब ये हो गया सब्जी खरीदने जा रहे हैं हम, बार्गेन हो सकता है 10,000-15,000, डेढ़ दो लाख का नहीं होता। लास्ट में लांबा हुंडई से मुझे जो कोटेशन है, मेरे पास है भी, आप अगर आप मांगोगे तो मैं दे भी दूंगा, नहीं ठीक है, तो वो 21,65,000 रुपये आ गए थे। फिर उसके बाद ऑन रोड पे दे रहे जी हाँ, तो मैंने कार देखो पे वो किया था सर, तो मुझे ट्रायम्फ हुंडई से कॉल आया सर 21,50,000 में ले लो गाड़ी। अच्छा, 2024 की है गाड़ी। फिर एक कोई रोहतक से फोन आया था कि 21 लाख की ले लो, 23 की गाड़ी है, मतलब 2023 की है, तो ये चल रहा है। फिर उसके बाद ये लोग क्या बोलते हैं कि रिफंड आपको जो है आप जब कहोगे 7 दिन में आपके बैंक अकाउंट में। मैंने दिए थे 11,000 रुपये, ठीक है, एक ग्रुप भी बनाया था, ठीक है, वो ग्रुप में मैं कितना किया हूँ आप देख ही लो, इतने सारे मैसेजेस, शैल आई मेल टू हुंडई अबाउट दिस और गाइस रिफंड
टुडे यूट्यूब में डाल दूंगा, ये है 50, जो मैंने अमन जी का ये कहा था कि 50,000 सब्सक्राइबर है। फिर उसके बाद सेम 15 मिनट में ये देखो प्रूफ है, उन्होंने NEFT किया अपने अकाउंट से। तो ये कैसे हो गया? ये नहीं बताया था कि मेरे कुछ सोशल मीडिया के फ्रेंड्स हैं, तब तक ये लोग रिप्लाई भी नहीं कर रहे हैं। जब मैंने एक बार मैसेज डाल दिया, 15 मिनट में मेरे अकाउंट में मतलब आ गए। तो हुंडई से कोई अगर ये अगर वीडियो देख रहा है तो आप लोगों को स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। मैं बात ये करूँगा कि MG शाम को 4 o'clock का मेरा टाइम था, 4 o'clock मेरे हाथ में चाबी दे दी गई। क्या डिलीवरी एक्सपीरियंस है शोरूम के अंदर! अभी तो नवरात्रों में रास्ते से वो हुंडई वाले मारुति वाले गाड़ी दे दे रहे। मैं उन व्यूअर्स को ये चीज़ बोलना चाहूँगा कि जो लोग MG को बदनाम करते हैं ना भाई, आप एक बार जाके टेस्ट ड्राइव लो, गाड़ी में जाके बैठो, बस आपको अगर प्रीमियमनेस पूरी पसंद ना आए तो ना लेना। लेकिन अगर आप इस चैनल को फॉलो करते हो मेरा बात पे, अमन जी के बात पे, एक बार जाके देख लो आप। मतलब मैं ये समझ ही नहीं पा रहा हूँ कि क्रेटा, सेल्टोस और ग्रैंड विटारा कहाँ से है। एक चीज में बता दो, एक चीज नुक्स निकाल, बिल्ड क्वालिटी देख लो, डोर खोल के एक बार। बिल्ड क्वालिटी की बात करें, अगर आप जो डोर थिकनेस की बात करें, हम ये चीजें ऑलरेडी अपने चैनल पे कवर कर चुके हैं कई बार। बिल्कुल। फिर ये प्राइस, आप वैल्यू फॉर मनी है, आप ये ले लो, ये 20 लाख की है गाड़ी, ठीक है। 20 लाख की गाड़ी में इंटीरियर, पहले तो इतना बड़े साइज का आपको जो है कार, इतना स्पेस, ये देखो सॉफ्ट टच कंपनी से लेदर ट्रीटमेंट, डैशबोर्ड पे लेदर ट्रीटमेंट, स्टेयरिंग देख लो लेदर ट्रीटमेंट, गियर कंसोल देख लो। 20 लाख में आपको क्रेटा क्या देती है? एस ऑप्शनल स्क्रीन 8 इंच का, ठीक है, नाम के लिए बस सनरूफ दे दिया। इसकी सनरूफ देखो, पैनोरामिक सनरूफ, पैनोरामिक, ये मतलब पूरी एकदम खुला खुला स्काई रूफ इसको बोलते हैं। 20 लाख में आज के डेट में इस गाड़ी से ज़्यादा फीचर, प्रीमियमनेस, सेफ्टी, यहाँ तक कि जो इसके क्या बोलते हैं डैशबोर्ड जो फिट एंड फिनिश है वो देखो, कोई गैप नहीं है। स्पेस देख लो आप एक बार रियर स्पेस, ठीक है, बेड बन जाता है ये पूरा। एक और खास चीज जिस पे मैं हमेशा बात करता हूँ वो है इसका, जो आप देखेंगे हम्प नहीं मिलता है बिल्कुल भी, कोई हम्प नहीं है। तो जो बंदा सेंटर में बैठता है उसको पूरी स्पेस मिलती है, अगर आप इसको बंद भी कर देते हैं। अमन जी एक चीज मैं आपको देखूंगा, जादू। हाँ बिल्कुल फ्लैट बेड है ये, बिल्कुल फ्लैट बेड है। यहाँ पे सर रख के आप पैर पीछे तक लेकर जाए, क्रेटा में कोई बंदा मेरे हाइट का बैठ ही नहीं पाएगा, लेट नहीं पाएगा। तो अगर आप लोग मतलब दो लोग जा रहे हैं या तीन लोग भी जा रहे हैं और आपने इसको फ्लैट बेड बना दिया तो आपके पास सफिशिएंट और वुड बेड बना के राजस्थान घूम के आए हैं। वो मेरी 2 साल की बेटी है, इस बेड पे पूरा जो है खेली कूदी है। आप लिटरली गाड़ी के अंदर से ऐसे करके निकल सकते हो, देखो ये सब जो चीज़ है ना आप शोरूम में जाके ही देख सकते हो। मैं शोरूम गया, आई वॉज लिटरली इम्प्रेस्ड। फिर उसके बाद रात को मेरी वाइफ ने यूट्यूब सर्च किया, मोटर बाइक वाले सर जी आ गए, उन्होंने हेक्टर पे इतनी वीडियो डाल दी कि मेरी वाइफ जो है टोटली इम्प्रेस्ड है। जैसे कि मैंने आपको ये कहा, शोरूम जाके फ्रंट सीट पे बैठते मेरी वाइफ ने सीधा बोल दिया, आएगी तो ये, नहीं तो नहीं आएगी। देखो कितना स्पेस है, मैंने तो भर रखा है, इतना स्पेस, अच्छा खासा, इतना जबरदस्त। मतलब आप अगर कहीं वेकेशन पे जा रहे हो, कैंपिंग वगैरह करना चाह रहे हो तो मोड बोलते हैं स्पेस है। आप एक चीज ध्यान दिए होंगे, जब इसका टेल गेट जाता है ना तो ब्रेक लाइट भी ऊपर चली जाती है मोस्टली कार्स में। हाँ मोस्टली कार्स में। अब देखो नीचे रेड कलर की लाइट जल रही है, इंडिकेटर भी है नीचे, तो आप अगर इसको खोल कर रखोगे ये नहीं ब्लाइंड स्पॉट नहीं बनेगा, ब्लाइंड स्पॉट नहीं बनेगा। अगर कोई गाड़ी आ रही है, आपने बोनट खोल रखा है तो उसको दिखेगा कि गाड़ी खड़ी है। एक और चीज़ है जो कि इसका जो पार्किंग वाला है सेंसर है वो यहाँ पे प्लेस है, एक यहाँ पे, बाकी कार्स में यहीं पे हो ये होते okay. अब ये जो है इसका सिलेक्ट प्रो वाला है वेरिएंट। आप अगर इसके टॉप मॉडल पे जाओगे जो कि मेरे ख्याल स्मार्ट प्रो है, उसमें आपको इलेक्ट्रिक टेलगेट एडैस, फिर उसके बाद एडैस बहुत बढ़िया काम करता है, ड्राइविंग का जो आपको प्लेजर है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज लगेगा। अगर आप वॉल्सवैगन से, स्कोडा से कंपेयर करते हैं या फिर गलत कंपेयर कर रहे हैं जर्मन्स के, यस है, ये जो है कार ये एक प्रॉपर फैमिली कार है, फैमिली कार, ठीक है। आप इसको लेके चाहे दिल्ली से कलकत्ता चले जाओ, कलकत्ता से दिल्ली आ जाओ, आपका कुछ नहीं जाए। अब मेरे वीडियोस लोगों ने भी देखे, आपने भी देखे, बट एक काउंटर क्वेश्चन है जो मेरा काम है आपसे पूछना। बात लोग करते हैं एवरेज की, माइलेज की, कि MG की गाड़ियां जो है वो माइलेज नहीं देती। अभी हम जो भी अभी ऑब्वियसली जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे होंगे ना, तो उनके दिमाग में ये पॉइंट होगा, ठीक है भाई कंफर्ट वगैरह सब मान लिया आपकी बात, एवरेज पे बात करो, एवरेज का बताओ हमें क्या है। तो आप बताओ यार माइलेज क्या, मतलब 1500 किलोमीटर में
जी। अभी आपने खींच के भी चलाई होगी, वेन्यू एन लाइन रखी हुई थी आपने, तो आपको पता है गाड़ी खींच के चलानी कैसी, आराम से चलानी कैसी, क्योंकि वहां भी कोई बहुत अच्छी माइलेज नहीं मिल रही थी आपको। बिल्कुल अच्छी नहीं। यही चीज है कि लोगों ने ना इस कार को फालतू में बदनाम कर रखा है। वेन्यू के साथ भी हमने वीडियो में दिखाई थी कि वो 6 की एवरेज सिंगल डिजिट थी, 6-8 के ऊपर वेन्यू एन लाइन ने मुझे आज तक, मतलब जितने दिन थी, 2 साल थी गाड़ी, 8 के ऊपर मैंने दिल्ली शहर में एवरेज नहीं निकाली। और वो कितने की थी आकाश? 16 लाख के ऊपर थी वो? मैंने वो ली थी N6 जो है, दैट इज 15 लाख ऑलमोस्ट ऑन रोड। चलो, आपने एक्सेसरीज भी काफी काम करवाया था उसमें, छोड़ के 15-15.5 की वो गाड़ी थी और उसमें आपको सिंगल डिजिट माइलेज मिल रही है छोटी गाड़ी में। छोटी गाड़ी में ये कार जो है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, 2000 किलो से ऊपर की गाड़ी है, 2 टन की गाड़ी है, ठीक है, इतना स्पेस, 1.5 लीटर का टर्बो चार्ज इंजन है, ये मुझे शहर में आराम से 7-8 का माइलेज दे देती है। हैवी से हैवी ट्रैफिक में 6-7 आ जाता है। मैं राजस्थान घूम के आया हूँ, प्रॉपर हाईवे नहीं था जहाँ पे क्रूज कंट्रोल यूज़ कर पाऊँ। रिटर्न के टाइम हम लोग मुंबई एक्सप्रेस वे से आए, गाड़ी ने 14 का दिया माइलेज। बिल्कुल दिया होगा। स्क्रीन शॉट है, मैं अमन जी को शेयर करूँगा। बिल्कुल दिया होगा। 14 का वो मुझे ऐप में शो किया है, लेकिन अब टैंक टू टैंक में दैट इज अराउंड 13 अप्रोक्सीमेटली। तो अगर हम 13. चलो एक नई गाड़ी सिटी सर्विसिंग नहीं हुई थी, सिटी की बात करें तो आप मान सकते हैं कि 7-8 अभी ये दे रही है आपको। 5-6 वाला सीन तो नहीं है? 5-6 तो है नहीं। अगर आप गाड़ी को पूरा स्पोर्ट्स मोड पे भगाओगे तो फिर 5-3 भी दे सकते। और एक चीज मैं आपको कहूंगा कि भाई फॉर्च्यूनर रखने वाले कभी भी माइलेज का फिक्र नहीं करते, यहाँ तक स्कॉर्पियो रखने वाले की, तो आज से ये भी सुन लो कि MG रखने वाले या फिर हेक्टर रखने वाले माइलेज का फिक्र नहीं करते। ARAI जो है इस गाड़ी का अप्रॉक्सीमेटली 14 है, लेकिन ये ARAI के ऊपर भी हर गाड़ी देती है अगर आप ढंग से चलाओगे। इको पे थोड़ा सा ब्लेंड हो जाता है, मतलब चलाने का। मैंने जब चलाई थी वो इतना मजा नहीं आता, ठीक है, नॉर्मल पे चलाओ मेरे ख्याल से, तो आपको अगर 11-12 की पे क्रूज कंट्रोल पे आप इको प्रेस कर दो ना, आपका जो क्या बोलते हैं वो RPM है, वो एकदम से डाउन होता है गाड़ी आपकी अच्छी। कितने RPM पे? 1500-1400 100 की स्पीड पे, इको पे 1400 RPM ना। तो फिर वहाँ पर आपका वहाँ पे टर्बो नहीं हिट करेगा ना? टर्बो नहीं, तब तो मैं क्रूज कर रहा हूँ ना, क्या दिक्कत है 100 के स्पीड में। अब फुल एक्सप्रेस वे है यहाँ से, टर्बो कितने पे हिट कर जाता है? 1700 पे आपको एक प्रॉपर बूस्ट मिलता है। पे आप तो जब ये बता रहे हो कि 100 की स्पीड पे अगर आप क्रूज कर रहे हो तो वहाँ पे आपकी जो है टर्बो रिक्वायर्ड नहीं, तो वहाँ पे 1400 पे आ गया ना, तो टर्बो हिट नहीं किया तो माइलेज अपने आप अच्छी आराम से ये देगी। अच्छा, अब आकाश, एक तो मतलब आपने पूरी रिसर्च किया है, पूरी रिसर्च करके गाड़ी ली है, और क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो आपको लगती हैं अभी भी कुछ कमी है या लेने के बाद पता चला कि वो नहीं है? सी, अगर आप पैसे की बात अगर ये करें तो 20 लाख में जो MG दे रही है सफिशियंट है। एक दो चीज़ें वो जिस पे कॉस्ट कटिंग जो है नहीं करते तो भी थोड़ा हम पे कर देते हैं, दैट इज़ कि वो ऑटो फोल्ड वाले मिरर नहीं आते सिलेक्ट प्रो में, स्क्रीन आ गई right. इतनी बड़ी, अंदर आपको इंटीरियर बढ़िया मिल गया, बस उसमें फिर 360 डिग्री कैमरा कमी कम हो गया, वो मुझे रिक्वायर्ड भी नहीं था। आपको ऑटो फोल्डेबल ORVMs हो गए, और इलेक्ट्रिक RVM मिलता है? नहीं, ऑटो डिमिंग RVM भी है नहीं। चलो वो तो है चीज जो मैं सबसे ज्यादा एम्बिएंट लाइटिंग मिस कर, एम्बिएंट लाइट थी नहीं, वो मैंने अलग से फिट की है, तो जो मैं सबसे ज्यादा मतलब मिस करता हूँ डे टू डे लाइफ में, दैट इज ये फोल्ड नहीं होते, आप जैसे देख सकते हैं खुले हुए हाथ से घुमाना पड़ता है। तो एक प्रीमियम कार में ये जो है फीचर होना ही चाहिए। आकाश, जिस सोसाइटी में रहते हैं वो भी, उनकी जगह भी थोड़ी कंजस्टेड, पार्किंग जो है थोड़ी सी, तो उस हिसाब से अगर आपको सेफ रखनी है गाड़ी तो ये ऑटो फोल्डेबल होना चाहिए। हालांकि आफ्टर मार्केट भी चीज हो जाती है, पर कंपनी से आए तो ज्यादा अच्छी रहती है। थोड़ा मैं चीज नोट कर रहा हूँ, यहाँ पर आपको जो फॉग लैंप है ये हैलोजन में है ना? ये हैलोजन है, लेकिन वो हैलोजन ही सही है, बिकॉज फॉग लैंप का जो मेन यूज है वो हैलोजन में आ पाता है। लोग जो है बाहर से बल्ब डाल देते हैं व्हाइट वाले, फिर वो फॉग लैंप नहीं रहते, वो हेडलैम्प बन जाते हैं, जो हेडलाइट्स इतनी पावरफुल है कि फॉग लैम्प का रिक्वायरमेंट। मैं एक चीज और बताता हूँ, एक और चीज है जिसकी वजह से इतनी जरूरत नहीं पड़ती है। एक्चुअली आज की डेट में ना जो हेडलैम्प्स हैं उनकी प्लेसमेंट इतनी नीचे कर दी गई है कि फॉग लैम्प की रिक्वायरमेंट, वो फॉग लैम्प की रिक्वायरमेंट वैसे भी खत्म हो जाती है। अगर ये हेडलैम्प्स यहाँ रहते हैं ना DRLs में तो फिर आपको जरूरत पड़ती है। अभी ऑलरेडी इतना लो एंगल पे है कि उसको आपको फॉग लैम्प नहीं हटा भी देंगे तो जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लाइमेट कंट्रोल जो है वो मैनुअल है, हालांकि वो स्क्रीन पे वो आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन वो है कि आपको L1, L2 लो वो मैनुअल करते हैं, टेम्परेचर कंट्रोल नहीं है इसमें, लेकिन चलो यार मैं तो ये बहुत ही बारीक चीज है, छोटी, मतलब ये तो ढूंढ के ला रहे हो आकाश, भेजा जबरदस्ती। मतलब ये है कि
एक्सपेक्टेशन आ जाती है, इंसान को कितना भी मिल जाए ना, मतलब फिर वो पूरी नहीं पड़ती है ना, थर्स्टी रहता है बंदा, थर्स्टी रहता है। मेन जो ये है ना चीज, जो बंदे ये वाली वीडियो देख रहे हैं, जो भाई क्रेटा सेल्टोस ग्रैंड विटारा और हाई राइडर, ठीक है, वो जाके इस गाड़ी को जरूर, क्योंकि मैं भी ऐसा ही था। इस गाड़ी को मैंने ली है ना, मैंने प्रॉपर रिसर्च की है। अब कुछ लोग ये बताएंगे ये भागती नहीं है। चलो मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ, हाईवे पे लेकर गए इसको? हाँ हाँ, इसको ओवरटेक करने में कोई दिक्कत नहीं आई? कोई दिक्कत नहीं आती। फिर इससे ज्यादा क्या भगाओगे यार? कोई दिक्कत नहीं है, भगाने का एक ही पर्पज है ना, आपको किसी को ओवरटेक करना है, तो कर लिया ना उसको, फिर और कितना भगाओगे? सिटी में भगा नहीं सकते? नहीं, कोई ये साइज की गाड़ी कहाँ सिटी में भगाएंगे? नहीं, पर्पज मुझे पर्पज बताओ ना भाई, कि भैया भागने की वाली गाड़ी क्यों नहीं है? भागने की जरूरत भी तो नहीं है, जहाँ पड़नी है वहाँ जरूरत, वहाँ पे काम कर रही है। अच्छा आकाश, ये टायर जो है ये 18 इंच के टायर आते हैं ना इसमें? 18 इंचेस के है टायर। टायर प्रोफाइल 215/60R18 इसमें लोअर वेरिएंट में आपको 17 इंचेस आते हैं, और इसमें इसी वेरिएंट से 18 आने शुरू होते हैं। जी हाँ, इससे और इसके ऊपर के वेरिएंट सब में 18 आता है। अब बताओ 20 लाख में 18 इंच के टायर, डायमंड कट, चारों डिस्क ब्रेक, ड्यूल टोन, जो इसके ब्रेक लाइट्स है वो यूनिक है, वो ब्लेड वाले जो है न्यू, तो वो जो है एक जो है अट्रैक्शन है, जब आप रास्ते पे जा रहे हो रात को, दूर से कोई भी देखता है, बहुत गजब दिखता है। अच्छा, वो हेड टर्नर है गाड़ी पूरी तरह? एब्सोल्युटली, ये ब्लैक शेड में लेने के बाद मैं जब रास्ते में निकलता हूँ तो काफी सारे लोग जो है मैं देखता हूँ, वो मुड़ के जरूर एक बार देखते हैं ना, देखते हैं, क्योंकि बहुत लोगों को यही नहीं है पता कि ये गाड़ी कौन सी है, क्योंकि ग्रिल इसका इतना मस्कुलर है, प्रीमियम जैसा है। इसका रूफ देखेंगे तो रूफ आपको इसका जो है आइवरी में मिलेगा, आइवरी वाइट में मिलेगा, जो कि इसकी जो ड्यूअल टोन है उसको काफी बेटर करता है। और इनफैक्ट जो सीट कवर है ये आपको लगेगा कि ये अपोल्स्ट्री जो है कंपनी फिटेड है, कंपनी फिटेड नहीं है, आफ्टर मार्केट है, लेकिन ये बहुत अच्छी फिटिंग के करवाया, बहुत अच्छी आकाश आपने। फीचर मैं आपको दिखाऊंगा, मैं जैसे ही गाड़ी से दूर आऊंगा तो ये लॉक हो गई है, आपको साउंड आया होगा, मैं जैसे ही पास जाऊंगा मुझे कुछ प्रेस करने से गाड़ी अनलॉक हो जाएगी, अनलॉक हो गई है, तो आप ये रख के फिर जब दूर जाएंगे कोई बटन नहीं प्रेस करना है। अब यार कोई ये मत बोलना कि 10 लाख रुपए वाली मैग्नेट में भी आ रहा है फीचर, ये मत बोलना। अब की स्टार्ट है इसमें? हाँ है। अच्छा, की स्टार्ट है, रिमोट स्टार्ट है, हर चीज है इसमें, हर चीज है इसमें, तो कार कनेक्टेड फीचर्स वगैरह भी सब आपको मिलते हैं इसमें। ये देखो, ये एक है फीचर, ये देखो प्री कूल, आप ऊपर सनरूफ भी खुल गई है, ऊपर सनरूफ भी खुल गई है। अब देखो ये फीचर, ये सारे है प्रीमियम फीचर जो कि यूजफुल है। आकाश, ये तो पूछना बेकार है कि गाड़ी को क्या नंबर दोगे या कैसे? सी नंबर रेकमेंड करने की बात करें 100% नहीं, पूरा क्वेश्चन तो सुन ले मेरे भाई, भाग रही पड़ी है। अच्छा, उसमें अब ये पॉइंट ये है कि रेकमेंड भी अगर मैं पूछूंगा तो आपको कि हाँ रेकमेंड भी करेंगे, बट किन लोगों को आपको लगता है कि ये गाड़ी उनके लिए बिल्कुल सही है, मतलब उन लोगों को तो ये गाड़ी अगर उनका बजट 20 लाख है तो उनको तो ले ही लेनी चाहिए गाड़ी, और कहीं नहीं देखना चाहिए? जिन लोगों के पास 5 फुल साइज के एडल्ट्स हैं, वो मोर देन कंफर्टेबल होंगे, इसके बैक सीट में 3 बंदे आराम से बैठ सकते हैं, ठीक है, कॉम्प्रोमाइज है नहीं शोल्डर रूम, हेड रूम, कोई चीज़ में। और कोई अगर है वो जिसको थोड़ा कैंपिंग का और मतलब दूर दूर घूमने जाने ट्रैवल करने का शौक है, मोर देन कंफर्टेबल कार, मोर देन कंफर्टेबल। किसको नहीं लेनी चाहिए? किसको नहीं लेनी चाहिए? जो ज्यादा माइलेज को लेकर रोते, माइलेज को लेकर रोने वाले को तो थोड़ा सा नहीं लेना चाहिए, बिकॉज ये चाहे उनकी कॉम्पैक्ट एसयूवी भी सेम माइलेज दे रही हो, चाहे उसके मेन चीज नहीं रोएंगे। अब एक है चीज कि लोग इसको क्या बोलते हैं, चाइनीज गाड़ी है, पहले जाके वो चीज पता करो, ये है JSW की गाड़ी, और JSW का एक मेजर स्टेक है MG में, अब MG में, हालांकि वो डिस्क्लोज है कि नहीं है, मतलब के कितना स्टेक है, बट मेजर स्टेक है MG में, तो आप इसको अब एक इंडियन ब्रांड ऑटोमेकर ही कंसीडर, ठीक है, तो वो जो है ना वोकल फॉर लोकल, ये सब जो है ना दैट इज ऑल मार्केटिंग स्ट्रेटजी, गिमिक। चलो अभी तो 1500 किलोमीटर चली है, तो अभी सर्विस एक्सपीरियंस तो बात नहीं कर पाएंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सर्विस एक हो गई है, फ्री सर्विस, बहुत प्रीमियम है। 10:30 बजे जाके मैंने गाड़ी दी, 2 बजे मुझे उन्होंने प्रॉपर लंच करा के वो भी ऐसा वैसा नहीं, प्रॉपर मेन्यू है कार्ड, लंच करा के गाड़ी दी, एक पैसा भी नहीं लगा। MG में यार सूट में आ रहे हैं लोग, चाबी ऐसे हाथ मिला के सर आइए बैठिए, चलो अब चले यार, ठीक है, चलो तू बाय बोलो, चले यार बाय बाय, अब जो है ना गाड़ी के किताब लिख देंगे, नहीं तो ये वीडियो कभी एंड नहीं होगा, आकाश के पास इतना मटेरियल है कि कभी खत्म नहीं। मेन चीज है ना कि आप अगर
कुछ और अगर डिटेल जानना चाहते हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, तो हम एक और टाइम निकाल के वीडियो कुछ और अगर आपको जानना हो, कुछ और क्या जानना है गाड़ी के ये में, क्या मतलब इंटीरियर को रिलेटेड क्या चीज क्या नहीं है क्या नहीं, वो आप बीरोल से देख के वो कमेंट कर देना। कंट्रोवर्शियल मत बनाना, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है वो मैंने बताया। हम लोग भाई किसी पर्टिकुलर ब्रांड के बारे में ना तो हम फेवर करते हैं, ना किसी के अगर बायस होते हैं, ना किसी के अगेंस्ट जाते हैं। जो सच है वो आकाश भाई ने एक्सपीरियंस किया, वो चैनल पे आके बोल दिया और हम आपको दिखा देते हैं जो रियलिटी है। वो जब पहले वो दूसरी गाड़ी चला रहे थे तो हमने उस ब्रांड के बारे में भी बात की है। आज वो एमजी एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो एमजी के बारे में, एमजी के बारे में। आई होप आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा होगा, डिफरेंट लगा होगा, और आकाश भाई आए तो डिफरेंट लगना ही था, उनके पास मटेरियल इतना होता है। बाकी इनके चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए भाई, चैनल दिखा दो, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और इंस्टा पे फॉलो भी कर लीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। 1,00,000 की एक सेलिब्रेशन होनी चाहिए। हाँ करेंगे, कुछ करेंगे, प्लान करेंगे, चलो करेंगे। ठीक है, मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।